गले लग नहीं रही, गले पड़ रही है अरमान के रूही, मगर नहीं होगा ये संभव, क्योंकि अरमान को तो पसंद है अभीरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। शादी की जो रस्में रूही के साथ होनी चाहिए थी, वो रस्में माता रानी के मंदिर में अभीरा के साथ अरमान की हो गई। मौली बांधना, मेहंदी लगना सब हो गया और बहुत अच्छी बारिश में उन्होंने एक दूसरे के इमोशंस को समझा भी, मगर क्या करें, रियलिटी कुछ और कहती है और दिल कुछ और कहता है। इसलिए रियलिटी में वापस चले गए और वहां पे रूही का गले पड़ना वाकई ही अलग ही था। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब रूही अकेली तो गले पड़ नहीं रही है अरमान के, बाकी घर वाले भी हैं जो रूही के साथ हैं, वो रूही को धकेल रहे हैं, बार बार उसको ये जतला रहे हैं कि अरमान सिर्फ तेरा ही है बेटा, अरमान किसी का नहीं हो सकता। इसलिए चारू जो समझती है प्यार को, वो कहती है कि भैया गले तो लगाइयो भाभी के, भाभी को, वो कहती है कि गले तो लगाओ भाभी को, और अरमान को जबरदस्ती रूही को गले लगाना पड़ता है। अभीरा वहीं पे खड़ी है, देख रही है, और अभीरा जो कहती है वाकई सोचने वाली बात की, और कितने टुकड़े करेगी अपने दिल के। सही है, अभीरा को इस बात पे काम करना चाहिए, मगर करती है फिर से वो दिल है कि मानता नहीं वाली बात हो जाती है। आज की कड़ी वाकई में एक अच्छी कड़ी थी जिसमें अरमान और अभीरा की नजदीकियां हमें दिखाई दी। हमें दिखाई दिया कि अरमान को अभीरा के साथ रहना, उसकी छेड़खानियां, उसका गुस्सा, सब कुछ बहुत पसंद है। उसमें अलग कुछ दिखता है अरमान को, जो रूही में तो कभी दिख ही नहीं सकता। और ये बात मनीष जी भी समझते हैं और अब कुछ कुछ स्वर्णा भी समझना शुरू हो गई है। विद्या तो है ही डम, मगर आज उसने एक चीज जरूर सोची है, जो मैसेज के जरिए उसने माधव को डीकोड किया है कि ये माधव जी कैसा मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि अब अगला राज भी सामने आने वाला है। जो हॉस्पिटल में अभीरा और अरमान गए हैं, तो अभीरा तो वापस उस हॉस्पिटल में जाएगी चेक करवाने के लिए, माधव सामने आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो फूफा सा की प्लानिंग है वो भी फेल होगी और जो रूही का गले पड़ना है वो भी खत्म होगा जब ये राज सामने आएगा कि अभीरा और अरमान अभी भी पति पत्नी है। तो ये गले पड़ने वाली रूही को एक झटके में अरमान गले से उतार देगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और लड़की को क्यों गले पड़वाए भाई, क्यों गले से लगाए। तो ये सब मजेदार होने वाला है और ये रूही का भी अपने आप में जो गरूर है कि अरमान मेरा है, सिर्फ मेरा है, वो भी टूटने वाला है। दादी सा की तो बात ही क्या करनी। तो बढ़िया था आज का एपिसोड, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और रात को फिर से बात करेंगे 9 बजे लाइव चैट में, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.